पीएम मोदी और अडानी पर जुबानी हमला करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों से बातचीत में बघेल ने कहा, दो नंबर का अमीर व्यक्ति खिसक कर 23वें नंबर पर पहुंच गया, इससे ज्यादा घोटाले का क्या सबूत चाहिए प्रधानमंत्री जी। कभी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति रहने वाले अरबपति गौतम अडानी को इस साल बड़ा नुकसान झेलना पड़ा और वे पिछले हफ्ते तक 22वें स्थान पर पहुंच चुके थे। घोटाले वही हुए, घोटाले के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, जांच कराए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एक ऐसा सबूत जिससे उसके मित्र के जो स्थिति है दूसरे नंबर से खिसक के 23वें नंबर में पहुंच जा रहा है, तो इससे बड़ा घोटाला सबूत और क्या चाहिए। पूरे दुनिया के अर्थशास्त्री मान लिए कि गड़बड़ है, तभी तो पैसा विड्रा कर लिए, और विड्रा कर उसे जाँच क्यों नहीं करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, और हम आम जनता है जो भविष्य के लिए LIC में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा को आप अपने मित्र को दे रहे हैं। कल हमारे 70+ प्रधानमंत्री जी सीना ठोक ठोक के उन्होंने भाषण दिए, लेकिन जो बात कहनी थी वो नहीं कही। पूरा देश सुनना चाह रहा था अडानी के बारे में, लेकिन उसके बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। LIC के पैसे डूब रहे हैं, SBI के पैसे फंसे हुए हैं, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। बजट तो सब सीना ठोक ठोक के बात की, अच्छा लग रहा था भाषण, सीना ठोक ठोक के बात कर रहे थे। 70+ होने के बाद भी अभी दमखम बाकी है, लेकिन सवाल इस बात का, देश जो सुनना चाहता है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा। पूरा देश सुनना चाहता है कि आखिर अडानी दूसरे नंबर से खिसक के 23वें नंबर पे कैसे पहुंच गए, जो 609 नंबर में थे वो दूसरे नंबर में कैसे पहुंचे, ये कहानी सुनना चाहते थे प्रधानमंत्री से। राहुल जी ने तो इतनी पूछा ना कि कितने बार आप प्लेन में उसको ले गए, और उसके बाद कितने बार उनका दौरा हुआ, और उस देश से उनसे क्या क्या डील हुई, वहाँ सेल कंपनियों के बारे में बताएं। देश की सुरक्षा का मामला है, यहाँ देश में सेल कंपनी के बारे में कलकत्ता में रोज कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ जो सेल कंपनी है उसके बारे में कोई जांच नहीं। सवाल इस बात का है कि ED, IT, CBI की जो उपयोग दुरुपयोग जो भी कहें, भले एक जीविके कंपनी की तरफ से खंडन आ गया, लेकिन वो तिथि तो बताएं, क्या जब डील हुई उसके ठीक पहले उसके यहाँ IT और ED का रेट नहीं हुआ था, और जो कंपनी खरीदे हैं उसमें IT ED का रेट नहीं हुआ था। वो सारे दस्तावेज हैं, चीख चीख के कह रहे हैं कि IT ED के रेट के बाद ही ये सारी संपत्ति हैंड ओवर हुआ अडानी को। भले वो जब IT ED के रेट चलते अपनी संपत्ति को ही, जीवन भर की कमाई को दूसरे को सौंप दिए बेचने के लिए बाध्य हुए, तो अब क्या हिम्मत कर पाएंगे वो बोलने का। तो राजनीतिक दुरुपयोग अभी तक सुनते आ रहे थे, लेकिन अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए भी IT ED का दुरुपयोग हो रहा है, ये राहुल जी ने लोकसभा में बात कही है, ये महत्वपूर्ण है।